हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नया पारा हैंडीक्राफ्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक जाली लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये जाली मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने व्हाट्सअप किया था। वो स्वेटर बना रही थी, आधा स्वेटर बनाने के बाद वो ये जाली भूल गई, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया। और देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया है, वैसे ही जाली बन गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पिक। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यही जाली है उन्होंने जो मुझे व्हाट्सअप किया है। देखिए बिल्कुल सेम बना हुआ है और ये बहुत इजी है। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने दो जाली बनाया है। यहाँ पर देखिए, ये डायमंड शेप की जाली है। और देखिए यहाँ पर ये जो है प्लेन, ये भी डायमंड शेप में है और ये जाली भी डायमंड शेप में है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 21 फंदों में बना है। और ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने जो अपने स्वेटर में बनाया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, बीच से ये जाली। तो मैं भी यहाँ पर बीच से ही बना रही हूँ। वैसे ये एक जाली से स्टार्ट होगा, एक से फोर होगा, फिर फोर से एक होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से ऐसे बनाई हूँ बीच से, तो बीच से ही मैं अभी आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 21 फंदे ले लिए हैं और दो सिलाई मैंने बुन लिया है। तो चलिए अब जाली स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बीच से मैं बना रही हूँ। देखिए कैसे स्टार्ट होगा। यहाँ पर पहले दो फंदा बुन लेना है सीधा, उसके बाद देखिए दो फंदों को एक करना है, फिर देखिए उल आगे करना है और इसे बुन लेना है जाली बनाते हुए। और फिर देखिए उल आगे करना है और देखिए इस फंदे को इस सिलाई पर सीधा करके लेना है, इसको भी लेना है, दो फंदों को ऐसे, फिर दोनों को इस सिलाई पर वापस करके और उल आगे करते हुए जाली बनाते हुए दो फंदों को एक करना है, फिर ऐसे आगे करना है और इन दोनों को सीधा करके फिर वापस इसी सिलाई पर कर देना है और फिर उल आगे करके जाली बनाते हुए दो फंदों को एक करना है। फिर देखिए यहाँ पर उल आगे करना है और देखिए एक फंदा को इस पर लेना है और फिर देखिए यहाँ से पीछे वाले को आगे करना है, आगे वाले को पीछे करना है यहाँ पर, फिर इसको ऐसे करना है और फिर इसको भी ऐसे कर देना है। यहाँ पर तीन फंदों को एक करना है जाली बनाते हुए और फिर देखिए यहाँ पर जाली बनेगा, बुन लेना है यहाँ पर फंदा, यहाँ पर नई फंदा घटेगा। उसके बाद देखिए फिर उल आगे करना है और दो फंदों को सीधा करना है और जाली बनाते हुए एक करना है, फिर उल आगे करना है और दो फंदों को सीधा करके जाली बनाते हुए एक करना है, फिर उल आगे करना है और देखिए दोनों को सीधा करके जाली बनाते हुए एक करना है और फिर यहाँ पर दो फंदा बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने तीन फंदों को एक किया वो बीच में रहेगा और यहाँ पर इस साइड फोर जाली हो गया और इस साइड फोर जाली हो गया। तो यहाँ पर दो जाली मैं बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पीछे से बुन लिया। अब देखिए आगे से, ये बीच से स्टार्ट है तो यहाँ पर देखिए पहले फोर जाली हुआ, अब यहाँ पर थ्री जाली बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 एंड ये, इसे भी बुनना है 3 और इसे भी बुनना है 4 फंदा, पहले 2 था अब 4 हुआ। फिर उल आगे करना है और देखिए ये फंदे को सीधा करना है और इस जाली को सीधा करना है, दोनों को फिर वापस इसी सिलाई पर करके जाली बनाते हुए एक कर देना है और फिर उल आगे करना है, फिर इस फंदे को सीधा करना है, इस फंदे को सीधा करना है, उल आगे करके जाली बनाते हुए दो फंदों को एक करना है, फिर उल आगे करना है, फिर सेम करना है, दो फंदों को ऐसे एक करना है जाली बनाते हुए। और अब देखिए यहाँ पर इस पे जाली नहीं बनेगा, तो यहाँ पर इस फंदे को बुन लेना है और यहाँ पर इस फंदे को बुन लेना है। पहले बीच में एक फंदा हुआ, फिर तीन फंदा हुआ और अब देखिए फिर उल आगे करना है और इस फंदे को सीधा करना है, इस फंदे को सीधा करना है और दोनों फंदे को जाली बनाते हुए एक करना है, फिर उल आगे करना है और देखिए सीधा करना है दोनों फंदों को और उल आगे करते हुए जाली बनाते हुए एक कर देना है, फिर उल आगे करना है और दो फंदों को सीधा करते हुए एक करके जाली बना लेना है और फिर देखिए यहाँ पर 3 फंदे बचे,
जिन्हें बुन लेना है सीधा, और पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पीछे से मैंने बुन लिया। अब देखिए क्या करना है। अब ये थर्ड जाली है, यहाँ पर देखिए दो जाली बनेगा, यहाँ पर फोर एंड फाइव फंदे हो गए, बुन लेना है। फिर उल आगे करना है और इस फंदे को सीधा करना है और इसको भी सीधा करना है, और फिर वापस इसी सिलाई पर करके जाली बनाते हुए दो फंदों को एक करना है, फिर उल आगे करना है और फिर इसे भी सीधा करना है और इसे भी सीधा करना है। फिर देखिए यहाँ पर जाली बनाते हुए दो फंदों को एक करना है। अब देखिए यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर, फोर फंदे बुनने हैं। फिर देखिए उल आगे करना है और देखिए ऐसे दो फंदों को एक करते हुए देखिए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है और दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है। फिर यहाँ पर देखिए फोर फंदे बुन लेने हैं और पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब दो हो गया, फोर थ्री टू, अब एक जाली बनेगा। तो चलिए पहले पीछे से उल्टा बुनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे से बुनना है और देखिए अब यहाँ पर एक जाली बनेगा। और अगर आप जाली स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर उन्होंने बीच से स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पर उनको बीच से ही बता रही हूँ। और अगर आपको जाली स्टार्ट करना है तो आप अब यहीं से मेन स्टार्ट करना है, फर्स्ट जाली। तो देखिए यहाँ पर पहले वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फंदे पहले बुनने हैं, फिर उल आगे करना है। देखिए इस फंदे को सीधा करना है, इस फंदे को सीधा करना है, और दोनों फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है। और देखिए फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये जो एक था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बीच में सेवन हुआ, पहले वन था, वन से थ्री, थ्री से फाइव, फाइव से सेवन हो गया। और फिर देखिए उल आगे करना है और दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है। और यहाँ पर देखिए ये जो सारे फंदे हैं उन्हें बुन लेने हैं और पीछे से सारे फंदे उल्टा बुनने हैं। और देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दो जाली बनेगा। अब देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर, देखिए फोर फंदा पहले बुनना है और फिर देखिए दो फंदों को एक करना है और फिर उल आगे करना है और इस फंदों को फंदे को बुनते हुए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है और देखिए इस फंदे को और इस फंदे को सीधा करके वापस इसी सिलाई पे करके जाली बनाते हुए दो फंदों को एक करना है। फिर देखिए यहाँ पर वन टू थ्री, देखिए यहाँ पर थ्री फंदे बुन लेने हैं, फिर दो फंदों को एक करना है, फिर उल आगे करना है, फिर इसे बुनते हुए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है और देखिए दोनों फंदों को सीधा करके जाली बनाना है। और फिर यहाँ पर देखिए वन टू थ्री एंड फोर फंदे बुन लेने हैं। देखिए यहाँ एक से दो जाली हुआ, फिर तीन, फिर चार, उसके बाद अभी यहाँ पर जाली बढ़ेगा, वन उसके बाद टू फिर थ्री फिर फोर, और पीछे में यहाँ पर सारे फंदे उल्टा बुनने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर थ्री जाली बनेगा। तो देखिए यहाँ पर वन टू एंड थ्री, यहाँ पर थ्री फंदे बुनने हैं और इन दो फंदों को देखिए एक करना है, फिर उल आगे करना है, इसे बुनते हुए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है और देखिए दो फंदों को सीधा करना है और इस पर वापस करके एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है और देखिए यहाँ पर दो फंदों को एक करना है, फिर यहाँ पर एक फंदा बुनना है, फिर देखिए दो फंदों को एक करना है, फिर उल आगे करना है, इसे बुनते हुए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है, फिर दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है, फिर देखिए यहाँ पर दो फंदों को सीधा करके ऐसे और एक करते हुए जाली बनाना है, फिर यहाँ पर थ्री फंदे बुन लेने हैं, उसके बाद पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फोर जाली बनेगा। तो देखिए पहले यहाँ पर वन एंड टू फंदों को बुन लेना है, फिर दो फंदों को एक करना है, फिर देखिए उल आगे करके यहाँ पर इसे बुनते हुए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है और फिर देखिए दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उल आगे करना है और दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है। अब देखिए उल आगे करना है, इसे
वापस ऐसे लेना है और देखिए पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे करके फिर इसी सिलाई पे करना है और इसको भी इस पे करना है। यहाँ पर अब तीन फंदों को एक करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारे फंदे मैनेज हो जाएंगे, जहाँ पर मैंने फंदे कम किए हैं वहाँ पर जाली बन रहा है तो फंदे मैनेज हो जाएंगे, एक भी फंदे कम नहीं होंगे। फिर उलागे करना है, इस फंदे को बुनते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है, दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है, फिर दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है और दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है। फिर देखिए दो फंदे बचे जिन्हें बुनने हैं और पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फोर जाली हो गए, वन से फोर जाली हुए, अब फोर से थ्री टू वन। अब यहाँ पर पहले जाली बढ़े फिर घटे, घटेंगे तभी डायमंड शेप में आएंगे। और यहाँ पर बीच में आप देखिए वन से सेवन फंदे हुए, फिर सेवन से वन फंदे हुए, ऐसे ही बीच में रहेगा और जाली भी आप ऐसे ही रहेगा, एक से फोर, फोर से एक। तो चलिए फिर यहाँ पर अब जाली घटेगा, यहाँ पर तीन जाली हो जाएंगे। तो देखिए वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पर फोर फंदे बुनने हैं, फिर उलागे करना है और देखिए दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है और दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है और दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है। और अब इस फंदे को बुन लेना है, यहाँ पर देखिए दोनों फंदों को, फिर उलागे करना है और देखिए दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है और दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है और दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है। फिर देखिए यहाँ पर तीन फंदे बुन लेने हैं, पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे से, अब यहाँ पर दो जाली बनेगा, तो अब देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव फंदे हो गए। इस जाली को भी बुन लेना है हर बार और वो लागे करना है और देखिए दो फंदों को सीधा करके जाली बनाते हुए एक करना है, फिर वो लागे करना है, दो फंदों को सीधा करके जाली बनाते हुए एक करना है। और अब यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर फंदे बुनने हैं, उलागे करना है, दोनों फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है, दो फंदों को एक करते हुए जाली बनाना है और यहाँ पर फोर फंदे बुन लेने हैं। अब यहाँ पर दो जाली हो गया, नेक्स्ट टाइम एक जाली होगा। अब देखिए पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक जाली होगा, टोटल 16 सिलाइयों में एक पूरा डायमंड शेप जाली कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फंदे हो गए, फिर उलागे करना है, देखिए दोनों फंदों को सीधा करके एक करते हुए जाली बनाना है। और अब यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फंदे हो गए, वो लागे करना है और फिर दो फंदों को सीधा करके एक करते हुए जाली बनाना है। फिर देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव फंदे बुन लेने हैं, पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जाली कंप्लीट हो गई है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कैसे स्टार्ट होगा जाली। देखिए यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर, देखिए फोर फंदे बुनने हैं, दो फंदों को एक करना है, फिर उलागे करना है और इसे देखिए बुनते हुए जाली बनाना है, फिर देखिए उलागे करना है और दो फंदों को सीधा करके एक करते हुए जाली बनाना है। फिर देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर, थ्री फंदे बुनना है और फिर दो फंदों को एक करना है, उलागे करना है और इसे बुनते हुए जाली बनाना है, फिर उलागे करना है और दो फंदों को देखिए यहाँ पर सीधा करते हुए जाली बनाना है। देखिए यहाँ पर अब दो जाली हो गए और फिर इन फोर फंदों को बुन लेना है, पीछे से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो जाली कंप्लीट हो गया, यहाँ पर एक से दो हुआ,
अब तीन होगा, फिर चार होगा, और उसके बाद फिर तीन दो एक ऐसे होगा। ये देखिए यहाँ पर ये डायमंड शेप बनते जा रहा है। ये देखिए यहाँ से घट के, यहाँ से घट के एक हो रहा है। और ये जाली देखिए, ये पहले यहाँ पे जाली बंद होगा, फिर ऐसे करते हुए, और ये जो लास्ट वाला जाली है फिर ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पर ये बंद होगा, फिर लास्ट वाला ऐसे करते हुए ये जाली बढ़ेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ये जाली। और ये आप बॉर्न बेबी के स्वेटर पे भी बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन पे, ब्लाउज़ पे भी ये अच्छा लगेगा, और गर्ल्स टॉप पे भी ये जाली बहुत सुंदर लगेगा। देखिए आई होप फ्रेंड आपको ज़रूर ये समझ में आएगा जैसे मैंने आपको बताया है ये जाली। आप देखिए, आप बीच में स्टॉप करके वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो देखिए, और आपसे ज़रूर ये जाली बन जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।